असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल विद द न्यू व्लाग तो उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो ये मैंने लास्ट व्लाग के बाद से अगला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने अपने लिए बनाया था रोह अफा वाला दूध और ये रात के कोई दस बजे का टाइम है नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बस मैंने दूध पिया था क्योंकि कुछ भी और अजीब सी तबीयत हो रही थी तो so, इसलिए और बताएं आप लोगों के रोज़े वग़ैरह कैसे गुजर रहे हैं अभी मैं बस दूध पीने के बाद ब्रश करने के बाद सो जाऊँगी और इन आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे से रूटीन अपनी स्टार्ट करूँगी और जी नेक्स्ट डे में हमारे पास आ जाती है हसीन सा मौसम जिसके बाद से ना बाज़ी पलट की थी कि गर्मी से पहले आ, गर्मी सॉरी कह रही हूँ गर्मी आई थी और उसके बाद ये बारिश हुई और सारा मौसम पलट गया बारिश <laughs> स्टार्ट होगी ओले पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा अब ठंड होगी हुई है और मैंने कपड़े अपने संभाल दिए हुए थे और अभी मैंने अपनी सिस्टर से इन दिनों में स्वेटर लिया है उसी की स्वेटर पे मेरे दिन चल रहे हैं क्योंकि मैंने अपने कपड़े तो जैसे कि रख दिया मैं दोबारा उनको निकाल नहीं रही और ठंड ने बहुत ज़्यादा कोई ज़ोरों शोर से दोबारा से अपना जोर डालना शुरू कर दिया तो मैं बाहर आके बैठ गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा मौसम को एंजॉय किया बहुत ज़्यादा मैंने कहा लेट के रेस्ट करने से बेहतर है कि बाहर जाके थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं मज़ा आएगा और ऐसे ही हुआ था बहुत मूड फ्रेश हो गया था और हम डेली रूटीन में ऐसे थोड़ा सा टाइम निकालते नहीं हैं और मुझ से ऐसे बैठे हुए होते हैं और फिर मिस कर देते हैं इतनी अच्छी चीज़ों को तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी यहाँ पे बैठ के मैंने कहा छोड़ दो हर चीज़ को ऐसा टाइम और ऐसी बारिश दोबारा इस ऐसी दोबारा नहीं आनी जो आज हुई है तो बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और आ, मैंने आ, सोचा कि कुछ बातें भी कर लेते हैं और देखिए कितना कोई हसिन मौसम लग रहा है अच्छा जी तो मैं यूनिवर्सिटी से आई थी तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना और आ, 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 अब मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ दिनों तक तो फिर व्लॉग्स में शॉर्टेज लग जाना है लेकिन मेरा ये व्लॉग एडिट करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और कुछ चीज़ें कंपाइल खुँ। 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 करनी थी वीडियो में तो फिर इस से रह गई थी और यहाँ पे दावत की भी तैयारी हो रही थी उसके अलावा ये चनों के पैकेट्स बना के मदर ने रखे हुए हैं और यहाँ पे आज जो बनी थी चाट वगैरह उसके लिए निकाल के ये पैकेट रख दिया था ठीक है और यहाँ पे वॉश हो रहा है चिकन और चिकन वैसे तो के एन एन से भी कई दफ़ा ले आते हैं अब ये वाला आया हुआ था जब दावत की प्रिपरेशन करनी थी तो यही ले गए थे वरना जब उड़ासी के लिए जाते हैं तो चिकन दूसरा लेके आते हैं तो इस दफ़ा जब दावत का प्लान बना तो फिर यहाँ पे हमने ये वाला ही चिकन मंगवा लिया था और यहाँ पे बनना है रोस्ट और प्लाव ठीक है उसके लिए ये सारा चिकन है अब यहाँ पे मदर वॉश कर रही थी और बताएं किस किस का दिल ख़राब होता था पहले चिकन वॉश करने पे और देखा भी नहीं जा रहा वो कितने नखरे करते हैं अच्छा जी तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़े ये दो ड्रेसेस हैं मेरे और मैंने इनके साथ आज मैं गई थी मदर के साथ तो दो तीन काम और भी थे और वी गॉट दीज लेसेज ए इस ब्लू वाले ड्रेस के साथ मैंने लिया है। और एक मैंने ये इस ड्रेस के साथ लिए और इस ड्रेस पे मैं लगाऊँगी बाज़ों पे और उसके अलावा मैं दामन पे लगाऊंगी और गले पे और दूसरा जो ड्रेस है उसके साथ जो मैंने ब्लू वाली आ, ली है थोड़ी सी फैंसी वाली वो घेरे पे लगेगी और बाज़ों पे लगेगी और जो आ, दूसरी है वो ट्राउज़र के लिए ली है ठीक है तो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी इसके अलावा भी और भी काम थे लेकिन वो अभी आहिस्ता आस्ता करके होंगे तो दो तीन काम मदर के थे उन्होंने करने थे तो आज बस इतना ही काम था दुपट्टे अभी इनके पीको होने के लिए दे आए थे तो वो मैं आप लोगों को बाद में दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगी कि उनको मैंने कौन सी पीको करवाई है तो बस अभी ये वाला व्लॉग मैंने इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था अब आ गए हैं हम नेक्स्ट डे पे यहाँ पे आ जाता है दावत वाला दिन ठीक है तो यहाँ पे जो इन बिटवीन प्रिपरेशन चल रही थी वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ और उसके अलावा जो डाइनिंग पे हमने चीज़ें लगा दी हैं कुछ कुछ ठीक है सैलड और उसके अलावा चाट फ्रूट चाट रख दी है तो फ्रूट चाट जो थी एक विदाउट दही थी और एक विद दही थी ठीक है दही के साथ थी और दही के बगैर थी और यहाँ पर डिज़र्ट में हमारे पास आ जाती हैं सेवियाँ ये कस्टर्ड सेवियाँ हैं ठीक है थेके? और साथ बीच में केक पीसीस है और इसकी रेसिपी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता अच्छा तो यहाँ पे रोस्ट भी रख दिया और जो, जो जो चीज़ें जैसे जैसे रेडी हो रही थी वो रखते जा रहे थे और फिर एंड टाइम पे जो चावल और सालन वगैरह था वो बिल्कुल लास्ट पे रखना था और यहाँ पे कचौरियाँ पकौड़े और जो समोसे थे वो बाहर से आए थे ठीक है और बस अभी हम जैसे टाइम होगा तो बाकी चीज़ें भी रख देंगे शरबत सारी चीज़ें वगैरह रखती हैं <laughs> और बस अभी साथ आप लोगों के लिए बना रही थी वीडियो और घर की ज़्यादा चीज़ें रखी थी बाहर से बस टाइम शॉर्टेज की वजह से वरना तो ये भी घर बनने थी तो हमने बाहर से मंगवा ली थी और अब कल हमारी दावत भी हो चुकी है अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया ये ब्लॉग अच्छा जी तो ये सालन कोफ्तों वाला और उसके अलावा जो चावल हैं वो बिल्कुल लास्ट पे ही रखे थे कि बस दो तो तीन मिनट रह गए थे अफ़तारी में और इनको सर्व करने के लिए इसलिए एंड पे रखा था क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाते हैं और फिर खाने का उस तरह से मज़ा नहीं आता तो बस अभी हमने खाना साथ ही रख दिया था कुछ तो खाना रफ्तारी के बाद करते हैं लेकिन जिस जिससे पहले खाना होता है वो हमारे घर में खा लेता साथ ठीक है और बस मैं इफ्तारी करने के बाद आग की इधर लेट गई थी, थी और बस मैंने फिर कुछ इतना खास व्लॉग बनाया नहीं था और क्योंकि लेजी शदीद लेज़ी हुई हुई हूँ मैं और बस मेरी आपको वीडियो पसंद आया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आ, कमेंट करके मुझे में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी फिर जी मैं गई थी अपने रूम में पहले मैं दूसरे रूम में थी और ये रही मैं अच्छा जी तो इसके इलावा ये है नेक्स्ट डे और इस दिन रफ्तारी से ही मैंने बस व्लॉग बनाया इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि रूटीन सेम है तो रफ्तारी में आज मैंने ये योगर्ट ली थी मेरा आज कुछ चेंज खाने को दिल कर रहा था एंड रियली लाइक दिस फ्लेवर लिटरली लव इट ठीक है और बस मैंने ये मैंने आज बहुत दिल कर रहा था कि कुछ चेंज चीज़ें मैं ऐड करूँ उसके अलावा ये मैंने एक वेंचर्स की रेसपी फ्रीजा बनाने की घर में कोशिश की थी जो चीज़ें अवेलेबल थी ठीक है चीज़ भी मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी सो so, बस मैंने माइनिंग वैरा ऐड किया था तो इसकी मुझे फाइनल लुक बनानी याद नहीं थी और खाते हुए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तो इसकी लुक पेना चाहिएगा उसको इग्नोर कीजिएगा लेकिन इट वाज रियली वर्थ इट और बहुत मजेगा बना था कभी फिर बनाया मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी अच्छा जी तो ये मैंने आ, अफ्तारी के बाद चाय तो मस्त है मस्त है ठीक है तो कौन कौन चाय पीता है और किसका गुजारा नहीं होता मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता चाय के बगैर और साथ में ले रही हूँ नान हटाई बिस्किट्स और बस अभी मैं चाय इंजॉय करूँगी और मैं चाय पीने के बाद नमाज वगैरह पढ़ूंगी स्किन केयर थोड़ी सी करूँगी जो चीज़ें करनी है और फिर जी दांत वगैरह ब्रश करके आराम से हम अपना दिन एंड कर देंगे और जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी लाजमी बताना है और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर लगा तो फिर अपना प्यार शो कर जाइएगा ना अल्लाह हाफिज़